ओह गॉड प्लीज आज मिस्टर रॉबर्ट सर कॉलेज ना आए, मैंने एक पेज भी प्रोजेक्ट नहीं किया। हाँ ये क्या है, सिलेक्ट योर वर्ल्ड, बार्बी और एनिमी? बट व्हाई आई हैव टू चूज, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में रह के खुश हूँ। मॉम को जाके इसके बारे में बोलती हूँ, लेट्स सी वो क्या कहती है। मॉम गुड मॉर्निंग डियर, क्या तुम अभी कॉलेज के लिए निकल रही हो? यस मॉम, बट मुझे आपको कुछ बताना था। क्या? मॉम थोड़ी देर पहले मुझे एक ऑप्शन में बोला गया एक वर्ल्ड सिलेक्ट करने को, बार्बी और एनिमी वर्ल्ड। ओह आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ तुम्हें सुनने के बाद थोड़ी सैड हो जाओगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जिंदा रहने के लिए। सो डियर प्लीज अपने पसंद के कोई एक वर्ल्ड सिलेक्ट कर लो। फाइन मॉम मैं सिलेक्ट कर तो लूंगी, बट इसमें सैड पार्ट क्या है? तुम्हें अपने पेरेंट्स से हमेशा के लिए दूर रहना होगा। नो नेवर, आई कैन लिव विदाउट यू मॉम डैड। नो डियर प्लीज, आई डोंट वांट टू लूज यू। अगर तुमने अपने मॉम डैड से इतना भी प्यार किया है तो उनके खुशी के लिए ये रिस्क मत लो, चूज कर लो। ओके ओके आई विल, नाउ हैप्पी? यस, बट तुम्हें मेरे आंखों के सामने अपने वर्ड सेलेक्ट करना होगा। मॉम दैट मींस यू डोंट लव अस। नो इट्स नॉट ट्रू, लुक बार्बी वर्ल्ड। वेरी गुड डियर, यू आर माय स्ट्रांग डॉटर। पता नहीं मॉम डैड को इतनी क्या चलती थी मुझसे छुटकारा पाने की। अब सिर्फ 10 आवर्स बाकी है बार्बी वर्ल्ड में जाने में, वहाँ तो कोई भी मेरे अपने नहीं होंगे। आई डोंट नो मैं कैसे अपनी पूरी लाइफ वहाँ बिताऊंगी। hey, सर तो बता तूने अपने वर्ड सेलेक्ट कर लिया है, क्या तो एक्साइटेड है? एक्साइटेड? तुझे कोई आइडिया भी है वहाँ जाने के बाद तुझे अकेले रहना पड़ेगा। so, वही तो मैं चाहती हूँ, मैं जस्ट तंग आ चुका मेरे पेरेंट्स के रूल में रह रहे। लाइक फॉर गॉड सेक, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भी कुछ प्राइवेसी एंड फ्रीडम चाहिए होती है, तुझे नहीं चाहिए? सो आफ्टर ऑल वो लोग है जो इस दुनिया में हमारे बारे में केयर करते हैं। रहने दे फिर, मैं तो जा रही हूँ एनिमी वर्ल्ड। एनिमी वर्ल्ड? कहीं मैंने बार्बी वर्ल्ड चूज करके गलत डिसीजन तो नहीं लिया? आई मीन व्हाई नॉट, बार्बीज भी तो अच्छी होती है और मेरी तो फेवरेट थी चाइल्डहुड से। गाइस यू नो मैं किस वर्ल्ड में जाने वाली हूँ? कौन सा मिश्रिया, फिर हम भी वही चूज करेंगे ताकि आपकी दो असिस्टेंट वहाँ पे भी आपकी सेवा कर सके। थैंक यू गाइस, मैंने एनिमी वर्ल्ड चूज किया ऑब्वियस। मैं क्या 3 साल के छोटे बच्चे हो जो बार्बी वर्ल्ड चूज करूंगी? हे ब्रो गोलू, तूने क्या चूज किया? मैं तो एनिमी वर्ल्ड जाकर सुंदर सुंदर हॉट लड़कियों से मसाज करवाऊंगा और नुमिशिको को शादी करूंगा। फिगर देखा है ब्रो तूने, एकदम आवर ग्लास बॉडी। वो सब तो ठीक है पर तू अपना बॉडी देख कद्दू जैसी। आई डोंट थिंक एनिमी वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होके भी तेरा बॉडी अच्छा होगा। आई मीन एनिमी बॉयज कितने हैंडसम होते हैं। एग्जैक्टली, और तुझे क्या यार मसाज के सिवा और कुछ समझ नहीं आता? और तुझे इतना पेन होती कैसे, कुछ तो काम करता है नहीं? ओ अच्छा समझी, खुद के इस खम्बे जैसे शरीर को लेके जो चलना पड़ता है बेचारा। वो चिपकली, यही तो प्रॉब्लम है, तू कभी कद्दू से चिपकली नहीं बन सकता। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ओए सुन सो सो लाइन में आओ बच्चू, हट। अब तो बस 7 आवर्स बाकी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। hey, सुआ बिच, कौन सा वर्ड चूज करे तूने? जो भी चूज करो तुझे। यह मॉनिटर लुक, मोहिता ने बार्बी वर्ड चूज किया है और लास्ट बेंच में कोने में छुपके बैठी थी। यू लूजर, तूने बार्बी चूज किया है? तुझे नहीं पता इस क्लास में ओनली एनिमीज बैठ सकते बिकॉज दे आर ट्रेंड इन हाई लेवल्स। और तू सो कॉर्ची बार्बी, तूने चूज कैसे किया है? यू नो ये कितने डेंजरस है, तूने सुना नहीं वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं? स्पेशली द क्वीन बार्बी, शी इज वेरी रूड एंड मीन टू अदर बार्बी। सी अब क्या फेस करने पड़ती है तुझे? नाउ गेट आउट ऑफ दिस क्लास। ये सब रिया क्या बोल रही है? बार्बी वर्ल्ड डेंजरस होते हैं, कहीं मैंने चूज करके खुद के पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार दिया? मोहिता क्या हुआ, तू ऐसे रो क्यों रही है? क्यों? मैं अब शांति से रो भी ना, तू यहाँ क्यों है बेस्टी? तू जाना अपने एनिमी गैंग के साथ लंच कर। मैं अच्छे से समझ गई, क्लास में सभी ने एनिमी वर्ल्ड चूज किया सिर्फ मुझे। दैट मींस यही से है कि बार्बी वर्ल्ड जरूर डेंजरस है, नहीं तो कोई इसे अवॉइड क्यों करे? हाँ मतलब सिर्फ मैं ही एक बदकिस्मत वाली हूँ जो उस बार्बी वर्ल्ड में मरने जा रही है? नहीं मोहिता तू अकेली नहीं है, मैंने भी बार्बी वर्ल्ड चूज किया है। व्हाट, तू झूठ तो नहीं बोली है ना? आई एम नॉट, बट मुझे एक ही बात हजम नहीं हो रही है कि बार्बी जैसी फैंटास्टिक वर्ल्ड कैसे डेंजरस हो सकता है। सुन आई थिंक ना वो लोग तुझे और मुझे डराने के लिए ये सब अफवाह फैला रहे हैं। पर मुझे इतनी नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही है? क्योंकि तेरी पेट खाली, लेट्स गो लंच खरीदने चलते हैं। अच्छा चल बेस्टी, थैंक्स अ लॉट, अब मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है, जब तू मेरे साथ है हम किसी भी चीज की डटकर मुकाबला कर सकेंगे। अडोशन क्लास में अब सबको एक लिफाफा दूंगा जहाँ एक वॉल टू वॉल बस स्टॉप की लोकेशन होगी, वहाँ पे तुम सभी टाइम पे पहुँच जाना बिकॉज वही बस तुम लोगों को एक वॉल से दूसरे फैंटेसी वॉल में पहुँचा देगा। रियली सर? वोहो दीजिए सर। रियलो सबको बांट दो। ये ले ये ले। बार्किन बेस्टी हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। वाह हम सबको तो प्रेटे लग रहे हैं एनिमी में ट्रांसफॉर्म होकर। अरे गाइस लुक, वो तो ने बार्बी के कॉस्ट्यूम पहने हैं। व्हाट सो तूने झूठ बोला, तूने भी बार्बी वर्ल्ड चूज किया? अरे छोड़ना रिया, तू बस इन दोनों का शक्ल देख कैसे पिंकी पांडा बने हैं। बार्बी नहीं कड़वी लग रही हो तुम दोनों। मोहिता चल घर जाके हमें पैकिंग भी तो करना है ना। हां चल बेस्टी।
बेस्टी लुक, मुझे लगता है हमने बारबी चूज करके सही किया है। सी हम दोनों कितने प्रीटी लग रहे हैं। राइट बेस्टी, चल पैकिंग भी तो करनी होगी। बाय द वे तू क्या क्या लेगी? है स्वा, वेट, क्या तू सच में बारबी वर्ल्ड में जा रही है? आई मीन तू सोच ले एक बार मैंने सुबह क्या क्या बोला था। हाँ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन रिया तुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू ही तो रोज बातों बातों में बोलती है गो टू द हेल। सो फाइनली हम लोग वहाँ जा रहे, तुझे तो खुश होनी चाहिए। एग्जैक्टली, सूखा सिंपैथी। गाइस आई नो तुम लोग मुझे बहुत बुरी समझते हो, पर सच तो ये कि मैं जो कुछ भी बोले एटलीस्ट मैं कभी तुम लोगों की बुरा नहीं सोचती हूँ। अगर तुम लोग ही नहीं होगे फिर मैं किससे डिस करूंगी? डोंट वरी रिया, तुझे स्वा जैसी बिच और मिल जाएगी। टेक केयर, और हम लोग अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं। चल ओके, ये मेरी फेवरेट नेल पेंट, लिपस्टिक और ये क्यूट स्वेटर अगर वह ठंडी हुई तो, और ये क्यूट कलर पेंट और ये स्केच बुक। डियर जल्दी करो, एक घंटा बाकी है ना, सिर पैक करके इधर आओ। यस मॉम, एंड ऑब्वियसली फोन। अब बस एक घंटा ही बाकी है, फिर मुझे इस वर्ल्ड से आप लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। मॉम क्या आपको इतना भी दुख नहीं हो रही है? आइडिया, मैंने एक बार लास्ट ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता मॉम डैड मुझे रोक ले। डियर आओ, लेट हो जाओगे तो वो बस तुम्हारे लिए दोबारा नहीं आएगा, फिर उससे बुरा क्या होगा वो हमें भी नहीं पता। लो तुम्हारे फेवरेट डोनट दो दिया है बेस्टी, करो खुद भी बांट के खाना। मॉम मैंने बारबी वर्ल्ड चूज तो किया है, पर अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, प्लीज। डियर तुमने जब कुछ ठान लिया है तब उसे पीछे मत हटो। मुझे यही उम्मीद थी। या मॉम सुनिए, कार निकालिए, बार्कन बस स्टॉप तक डियर को ड्रॉप कर दीजिए। मॉम डैड क्या आप दोनों को मेरे बिना एकदम अकेला फील नहीं होगी? सुनिए जल्दी कीजिए मॉम। डियर अपना ख्याल रखना, बाय। डैड बेस्टी अपने आप को संभाल, पेरेंट्स को भी दुख हो रही, पर वो लोग हमारे भलाई के लिए अपने इमोशन को हाइड कर रहे ताकि हम कमजोर ना हो जाए। बेस्टी लेट्स को, वक्त आगे ही अपने सारे रिश्ते को छोड़ के दूसरे वर्ल्ड जाने की। चल वेलकम वेलकम टू आवर बारबी वर्ल्ड। अब तुम दोनों पूरे जिंदगी के लिए इस वर्ल्ड में एंटर हो चुकी हो। थैंक यू। बाय द वे आप कौन? इडियट, तुम लिटरली पूछ रहे हो कि मैं कौन? कोई आइडिया भी है तुम्हें? ये कितनी बड़ी इंसल्ट है मेरे लिए। ये लड़की तुझे भगवान ने आंखें दी है नहीं, मेरे आसपास के बारबी और मेरे में से कोई अलग चीज दिखाई नहीं दे रही है। सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो, बट मैं सच में कंफ्यूज हूँ। हे गर्ल लेट मी इंट्रोड्यूस शी इज अवर वन एंड ओनली द प्रीटीस्ट बारबी क्वीन। यहां सब कुछ उनके ऑर्डर्स पे ही होती है। ओके आई अंडरस्टैंड, बट आर यू श्योर द प्रीटीएस्ट बारबी? ऐसे सवाल का मतलब क्या है? hey, मुंह संभाल के बात करो उनके सामने, बाद में तुम्हें सब बताती हूँ, अभी बस मेरे हाँ में हाँ मिलाओ। oh, well? जी बारबी क्वीन, उसके कहने का मतलब है कि आप इतनी ही सुंदर हो कि वो यकीन ही नहीं कर पा रही है ना? Yes, yes, you're too beautiful. Okay, fine. I know I'm beautiful. Anyways, बारबी स्वा को उसके बारबी हाउस दिखा दो। जी चलो। Hey, by the way, what is your name? Oh, I'm Fazlita. Oh, nice to meet you. Hey, इधर सुनो, तुमने तब उस बदसूरत दिखने वाली अजीब बारबी को क्वीन बारबी क्यों कहा? hey, धीरे बोलो, वही क्वीन बारबी है यहाँ की। What? तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कि क्वीन बारबी की डॉल कितना ही ज्यादा प्रीटी होगी, बट आई स्वेयर मैंने इतना ज्यादा बदसूरत बारबी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जरा धीरे बोलो, तुम बहुत जोर जोर से बोल रही हो, अगर उनके कान तक ये बात चली गई ना तो वो ना तुम्हें पूरे लाइफ के लिए जेल में बंद कर देंगे। क्यों? मैंने सुना झूठ बोलने से लोग जेल जाते, या तो उल्टा सच बोलने से जेल जाना होगा। बड़ी अजीब लड़की हो, यह सवाल तुम्हारे दिमाग में पैदा क्यों होते हैं? कहा हम जैसे बारबियों को तो इतना क्यूरियोसिटी नहीं थी। क्या बात कर रही हो डूड, वी आर ह्यूमंस, क्यूरियोसिटी होना तो ऑब्वियस है। ओके ऑलराइट लिसन, ये स्टोरी हमारी बारबी क्वीन की बदसूरती होने के राज है। असल में वो पहले सच में ही बहुत खूबसूरत दिखती थी, जब मैं पहली बार आई थी इस बारबी वर्ल्ड में तब मैं उनको देखते शॉक हो गई थी, यू डोंट बिलीव कि वो कितनी ही प्रीटी थी। बट एक दिन उनके लाइफ में वो काला दिन आ ही गई। व्हाट, काला दिन? हाँ, ह्यूमन वर्ल्ड में एक छोटी बच्ची ने बारबी क्वीन डॉल पे अपनी परेशानी की भड़ास निकालने के लिए उनके फेस पे परमानेंट मार्कर से ऐसी गंदी सी ड्राइंग कर दी। और क्या, जो होता है ह्यूमन वर्ल्ड में जिस जिस बारबी के साथ जो होता है वो इफेक्ट बारबी वर्ल्ड पे पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई उनके फेस से ये दाग नहीं हटी 7 सालों से, जिसके चलते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। वो सबको सिर्फ टॉर्चर करती है। ओ माय गॉड, क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन तुम्हारे फेस पे तो एक भी दाग नहीं है। ऐसा इसीलिए, बिकॉज़ मेरी जो लिटिल ओनर है वो अभी भी अपने लाइफ में हैप्पी है। ग्रेट फॉर यू, बट क्या तुमने कभी सोचा है अगर उसके लाइफ में भी कोई डिस्टरबेंस आई तो? वो भी मेरे साथ ऐसा करेगी, यही बोलना चाहती हो ना? उसका भी उपाय है, मैं बारबी को इनकी परमिशन लेके ह्यूमन वर्ल्ड की उस बच्ची की सिचुएशन को अगर ठीक कर दूंगी तो वो सारे मार्क्स मेरे फेस से खुद ब खुद ही डिसअपीयर हो जाएंगे। वाओ ऑसम, तो फिर यही ट्रिक वो पागल बारबी क्यों नहीं अपनाती? फिर से बस वही आखिरी बारबी क्वीन है, उनके ऊपर कोई क्वीन नहीं है, सो वो कैसे किसी का परमिशन लेंगी? हां ओ बेचारी पागल नहीं मजबूर है। ए, चलो चलो बारबी क्वीन के पास चलो। अरे बट व्हाई? हे लेट हर गो, जब तुम्हें ऐसा हटो चलो। हे क्या क्या है मैंने? लीजिए बारबी क्वीन, यही वो लड़की है जिसने आपको पागल बदसूरत बोला। क्या
इस लड़की ने सोआ, मुझे तो पहले ही लगा था ये लड़की मेरे बारे में झूठी तारीफ कर रही थी। असल में इसे भी मैं बदसूरत लगती हूं। No, you're beautiful. इन लोगों ने गलत सुना। चुप, मेरे सैनिकों के पावर के बारे में क्या जानते तू? हाँ, ये लोग 3 किलोमीटर दूर से भी लोगों की बातें सुन सकते हैं। लेकिन आप बता, मैं तेरी क्या करूं? इन बार भी आप इसे जेल में डाल दीजिए और फिर वो सब कीजिए जो आप बाकियों के साथ करते हैं। राइट, मतलब क्या करते हैं? अब तो तुम्हें जेल में घुसने के बाद ही पता चलेगा। चल घुस। प्लीज सॉरी, पर मेरी गलती क्या थी? बहुत ठंडी लग रही है। कोई है? प्लीज एक ब्लैंकेट दो ना, यहाँ टेम्परेचर बहुत लो है। हाँ, यही बार्बी क्वीन की टॉर्चर जेल है, अब मरो ठंड में। मरेगा तू। अब मैं क्या करूँ? ओ हाँ, मैं तो एक स्वेटर भी लाई हूँ। अब थोड़ी आराम लग रही है। ओफो, है भूख लग रही है, जेल में खाना भी देते हैं। हाँ, पर इस जेल में बार्बी क्वीन की टॉर्चर करना पड़ता है। ओए, निकल बाहर। ये ले मेरे 2 हफ्ते के कपड़े, अच्छे से धो के सुखा के तय लगाना, खुशबू बननी चाहिए। नहीं, मैं जेल में ठीक हूँ, मैं क्यों दूसरों का काम करूँ? जेल में काम के बदले में खाना मिलता है, पता है जरूर। चल बाहर। रिया बिल्कुल सही थी, ये लोग सच में बहुत सेल्फिश एंड मीन है। बार्बी वर्ल्ड, ये तो बस एक नाम ही है। धो धो भाई। ये वो न्यू बार्बी सोआ है ना, जो बार्बी वर्ल्ड में आते ही सीधा जेल में। या मे बी यही औकात है। हाय सो बार्बी, राइट? हे, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ धोने में। व्हाट केन, तुम ऐसे लोअर क्लास काम क्यों कर रहे हो? दो मुझे। हे केन, थैंक्स अ लॉट मेरी हेल्प करने के लिए। मेंशन नॉट। हे बार्बी सो, मुझे तुम्हें कुछ कहना। चलो कपड़े लाओ। बाय। हे सो, केन तुम जेल में रह किसी से बात नहीं कर सकते, पता है ना? जाओ, ये तुम्हारा जिम जाने का टाइम है ना? अब बात नहीं करने दोगे ना? ओके, मैं भी आपकी ये फालतू के रूल्स नहीं मानता। केन तुम ऐसे बात मत करो उनसे। नहीं सो, सीधी उंगली काम ना आए तो टेढ़ा करना पड़ेगा ना। तो सुनो, अब गंदी हो, बसुरा तो मीन हो, सबसे घटिया दिखती हो तू। छी केन, केन तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। सैनिको, केन को अंदर जेल में डाल दो। पर कुछ वो तो, जस्ट डू इट नाउ। हे, तुमने ऐसा जानबूझ के किया ना? तो नहीं करना चाहिए था, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। वो ऐसे बिहेव करती है बिकॉज वो अपने लुक्स को लेकर बहुत ही इनसिक्योर फील करती है। आई नो, पर मॉम को भी तो थोड़ा खुद को कंट्रोल करना चाहिए। वेट वेट, एक सेकंड, क्या बोला तुमने अभी? मॉम? यस, शी इज माय मॉम। व्हाट? बहुत भूख लग रहा है। याद आया, मॉम ने दिया था। वेट, क्यों सुआ, क्या कर रही हो? ये लो डोनट। वाओ, दिस इज माय फेवरेट, थैंक यू। सो आई डोंट नो व्हाई, बट आज मुझे पहली बार किसी बार्बी से इतना प्यार हुआ है। आई थिंक आई एम इन लव। क्या? यस सो, टेल मी, क्या तुम इस जेल से निकलने के बाद मुझसे शादी करना चाहोगी? टू बी ऑनेस्ट, यू आर माय ड्रीम सोलमेट केन। मैं जब छोटी थी तब मैं विश मांगती थी कि मेरी एक केन जैसी राजकुमार हो। ओह, दैट मींस यू आल्सो लव मी, यू एक्सेप्ट माय प्रपोजल। यस, बट उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इस जेल से बाहर निकल पाए और तुम्हारी मॉम भी खुश हो हमसे। मतलब कुछ समझा नहीं। मतलब मैं उनकी बदसूरत दिखने की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं साथ हूँ। आइडिया, हाँ, मैं क्वीन बार्बी की ऐसी एक ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ करूंगी जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, गुड मॉर्निंग, तुम क्या कर रही हो? तुम रात को सोई नहीं? And done. Ken, I did it, look. Wow, Soa, मुझे पता नहीं था कि तुम एक ग्रेट पेंटर भी हो। I'm damn sure mom बहुत खुश हो जाएगी। Hope so. क्या है? प्लीज क्वीन बार्बी एक बार देखिए ना। प्लीज, उसने आपके लिए ये पूरे रात जाके बनाया है। अच्छा, दिखाऊं? अरे ये तो मैं हूँ, तुम्हें मैं इतनी ब्यूटीफुल लगती हूँ। यस, आप इतनी ही सुंदर दिखती हो, पर आपकी ओनर उस छोटी बच्ची की परेशानी की वजह से आज आपकी ये हालत है। ये तुम्हें कैसे? सजलिता ने बताया, पर यकीन मानिए मैं आपकी ब्यूटी को वापस लाने में मदद कर सकती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई नॉट, आप नहीं जा सकते, पर मैं तो आपके बदले में जाके उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हूँ ना। प्लीज आप बस एक बार परमिशन दीजिए। ओके, तुम बात तो सही कर रही हो, सच में तुमसे पहले कोई आके मुझे इसे हेल्प करने की बात नहीं करा। मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, जाओ ये लो 3 हर्ट्स, ये तुम्हें उस बच्चे के घर तक पहुंचा देगा। और दो बातें अपने दिमाग में गाड़ लो, इनमें से एक भी हर्ट अगर टूट गई या फिर खो गई तो तुम कभी भी बार्बी वर्ल्ड में लौट नहीं पाओगी। और जैसे कि तुमने ह्यूमन वर्ल्ड लिप किया है तो तुम वहाँ 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाओगी। और हाँ, गलती से भी तुम्हारी बॉडी से खून की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? तुम एक जिंदा बार्बी डॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाओगी और तड़प तड़प के मारोगी। व्हाट, ये तो बहुत ही डेंजरस है। यस, बट आई नो सो यू कैन डू इट। ओके, लेट्स गो, बाय मॉम। नहीं, सो सिर्फ अकेली जा सकती हैं। डोंट वरी, मैं सुरक्षित इस वर्ल्ड में वापस लौट आऊंगी केन, फिर हमारी शादी।
आई थिंक मैं उस बच्चे के घर में आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी डैडी, आप दोनों बहुत बुरे, आप मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। प्लीज तुम इस बार्बी के साथ ऐसा मत करो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे खुल के बता सकती हो, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। हे हू आर यू, मेरे रूम में कब आई? पहले तुम अपना नाम बोलो। नीजू। और तुम्हारी? मैं बार्बी वर्ल्ड से बार्बी सोआ। व्हाट, बार्बी वर्ल्ड? यस। और ये तुम्हारे हाथ में थ्री हार्ट शेप के क्या चॉकलेट है? ओह नहीं नहीं, मैं इसी से ही तो इस वर्ल्ड में आई हूँ, और जब मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी तब मैं दोबारा वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन ये अगर घूम गई तो मैं इसी वर्ल्ड में फंस जाऊंगी, तो क्या तुम प्लीज इसे सेफ जगह में रख दोगी? यस बार्बी। Now tell me what's your problem? Mommy daddy is my problem. What? Why? ये देखो। Oh my god, इतने चोट के निशान। मेरी parents रोज मुझे मारते, बाहर खेलने भी नहीं देते और रात भर homeworks करवाते रहते और हर 8 दिन बाद मुझे इंजेक्शन देके बहुत सारा खून ले लेते, शायद वो लोग मुझे मार डालना चाहते, प्लीज कुछ करो बारबी, मुझे बचाओ। अच्छा रुको, तुम्हारी बातें सुन के तो मेरी दिमाग घूम गई। वो लोग ऐसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर क्यों कर एक 6 साल की बच्ची के साथ? Hey, किससे बात कर रही हो हनी? ये कौन है? वो अंकल फ्रेंड है मेरी, 3 दिन रहेगी यहाँ। अच्छा चलो। इन लोगों का बिहेवियर तो अच्छा ही था। अरे अच्छे से मिला, हनी समझ जाएगी। हे आप लोग मिल्क में क्या मिला रहे हैं, पॉइजन? पॉइजन तो हनी की बॉडी में है, तुम्हें कैसे पता? ये तो मेडिसिन है ताकि उसे पता ना चले, बहुत नखरे है ना। ओ जाओ जाके दे आओ ना। या ये लो। चाचू बोल रहे हैं ना कल और ला दूंगा, आज ये सारी चॉकलेट्स का, और अच्छे से अपने काम करते रहना। ओके चाचू। निजू ये लो। हाँ हाँ हम वक्त करती हूँ। कुछ शक भी नहीं हो रही कि उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, या फिर सच में वो लोग मेरे सामने नाटक कर रहे हैं। और कितने दिन उधार दो, हाँ एक बिजनेस है खिलौने की, वो भी ढंग से नहीं चला पा रहा है, और कितने दिन ऐसा हमारा खाएगा, घर के लिए तो एक भी पैसा नहीं देता है तू। सुन मेरा पैसा जल्दी से लौटा दे और घर से निकाल। दादा अब ऐसे मुझे प्रेशर क्यों दे रहे हो? निजू के पापा तो बहुत ही रूड है, लगता है उनके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। आज 12 बजने के बाद मुझे ऐसे निकलना होगा, निजू के पापा को जाकर डायरेक्टली पूछताछ करना होगा। हाँ निजू ने बताया आपसे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। अच्छा है, बताइए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई गलत फहमी हो रही है, उसे इंजेक्शन देके ब्लड से पॉइजन निकाला जा रहा है, एक्चुअली निजू के बॉडी में कुछ वीक से पॉइजन घुस रहा है। आई डोंट नो हाउ, डॉक्टर कह रही है पॉइजन धीरे धीरे निजू बेटी को मौत दे सकते है, प्लीज कुछ करो मेरी बेटी को बचाओ। ये क्या सुना मैंने, फिर निजू ने ऐसी झूठी बातें बना के क्यों बोला? दादा की बेटी हमारी मदद कर रही है और हम उनकी बेटी को स्वर्ग तक पहुंचाने में। वैसे निजू की आइडिया बहुत अच्छी है, डॉल्स के ऊपर मार्क्स बनाना, उन्हें यहाँ बुलाना और 3 दिन तक रोक के रखना, फिर हम उस डॉल को चोट पहुंचा के ब्लड निकल के एक जीता जाता बार्बी डॉल की तरह बेचना। अब बस इस बार्बी को मिला के 50 डॉल होने दो, फिर देखना हमारे खिलौने की बिजनेस कैसे दौड़ता है। करना क्या होगा जी? अब जो करना है निजू ही करेगी, हम बस आखिरी के 2 चाल चलेंगे। उसने बोला ना दादा दीदी को आज किसी बहाने से वो बाहर भेज देगी, और फिर घर में हम लोग और वो बार्बी अकेली। What? इतनी बड़ी साजिश मेरे पीठ पीछे, that means मुझे यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया, यहाँ तो एक पल भी और रहना सेफ नहीं है, वो छोटी बच्ची इसी उम्र में इतनी बड़ी मास्टरमाइंड है। Okay, निजू बेटी bye। Oh shit, वो लोग भी चले गए। Bye dad। क्वीन बार्बी की फेस क्लीन करके मैं वो 3 हार्ट लेके यहाँ से गायब हो जाऊंगी। hey friend, क्या कर रही हो? अपनी हाथ दो, नेल कट नहीं कर सकते, कितनी बड़ी नेल है। hey! Oops, sorry! ब्लड तो नहीं निकला ना? उसकी कोई चाल तो नहीं थी? नहीं सो निकल यहाँ से। निजू मेरी वो 3 हार्ट देना जरा। क्यों तुम यहाँ से जा रही हो? नहीं नहीं वो मैं देखना चाहती हूँ। ओके वेट, ये क्या किया तुमने? अरे नहीं ये हार्ट तो टूट गई। चाचू अंदर आओ, अपने खिलौने ले जाओ। हे तुम, अब मेरा 50 बार्बी का कलेक्शन पूरा होने ही वाला है, प्लीज मुझे छोड़ दो। सुआ किन ये हार्ट, अरे मेरा 50th बार्बी। सब्सक्राइब लो। थोड़ा कंफ्यूज है।